ले जी हुंजा में हमने जो कमरा लिया ना, ये देखिए ये रूम है। हाउ यू? हाय अबाउट, वेयर यू फ्रॉम? इंग्लैंड। वेरी गुड, नाइस। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम हुंजा पहुंच चुके हैं, और ये जो सारा बाजार आपको नजर आ रहा है ना, ये रोड ये सारा हुंजा का है। आगे एक हुंजा का बाजार है, फिर उसके आगे अताबा लेक है। तो ये खूबसूरत नजारे हैं, ऊपर देखिए सामने पहाड़ियां, देखिए कितनी जबरदस्त ऊपर बादल आए हुए हैं, बर्फ जमी हुई है। बच्चे कह रहे हैं अभी हमने मछली खानी है, तो अभी भाई से मैंने पूछा, वो कहता है यार बाजार आगे है तो बाजार से पता करें, वहां से मछली मिलेगी। 2 hours later ये मछली हमने ली है जी 2200 रुपए किलो। यहाँ से ना मछली जो है ना फ्रोजन मिलती है, ट्राउट भी पड़ी है, दूसरी भी पड़ी है, लेकिन हमने दूसरी ली है। इसमें ज़रा ना ये है कि स्किन वगैरह उतारी हुई है। और क्या लेना है? लेमन। और ये सब्जियाँ सारी पड़ी है, लीमू, लीमू भी ले लो। यहाँ पे सारी सब्जियाँ इस तरह ना रैक्स में पड़ी होती हैं, और ये देखिए इस तरह शॉप पर। अच्छा थोड़े से लीमू दे दें, लीमू का क्या रेट है? लीमू, हाँ लीमू 150 रुपये पाव। 150 रुपये पाव, चले आधा पाव लीमू दे दे बस। चिकन ले, चिकन ये सर जाएगा इससे, ठीक है। चलो 7 आलू ले लो। आलू इस तरह के हैं, थोड़े से सॉफ्ट नहीं। अच्छा ये मछली जो है ना, ये बगैर कांटे के और फ्रोजन मछली है। इसको पहले डिफ्रोज किया जाता है, तो सबसे पहले इसकी कटिंग करके ना इसको हमने डिफ्रोज कर लिया था। डिफ्रोज करने के बाद फिर मिसिज ने इसको मसाला वगैरह लगा दिया, और फिर हमने इसको फ्राई किया, और बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी टेस्टफुल मछली है। और है तो महंगी है, लेकिन मज़ा बहुत है इसका। ये देखिए सिंपली हमने मसाला लगा के इसको फ्राई किया था। बारबेक्यू का मूड था, लेकिन बारबेक्यू के लिए ना हमारे पास ग्रिल भी आई थी, लेकिन हम सोच रहे थे कि यार ये ज़्यादा टूट ना जाए, इसलिए ले जी हमने हुंजा में यहाँ पे एक होटल लिया था। तो होटल की बैक साइड पे ये थोड़ा सा नज़ारा है, ये होटल है सामने, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की हुई है, और ये हम आ गए यहाँ से अंदर। ये थोड़ा सा है, यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह लगा हुआ है, मैंने कहा नीचे जा के देखते हैं। अच्छा जाना ध्यान से, पाँव ना किसी का स्लिप हो जाए। ये देखिए ये दरख्तों पे पता नहीं क्या फ्रूट खुबानी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत व्यू है, बड़ा प्यारा विलेज है। बड़ा यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा है, और फ्रूट्स लगे हुए मेरे ऊपर, ये खुबानी लगी हुई है, ये देखिए ये खुबानी है, ये खुबानी लगी हुई है। यहाँ पे ना उतरना मुश्किल है थोड़ा सा बेटा, ये कच्ची जगह है, यहाँ पे स्लिपरी होगी ध्यान से। जहाँ से हुंजा और इसका एरिया स्टार्ट हुआ ना, हर जगह पे ग्रीनरी है, कहीं चेरी लगी है, कहीं खुबानी लगी है, कहीं पे सेब लगे हुए हैं। ये खुबानी की मैंने अभी बादाम खाया, तो बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें यार अल्लाह ताला की शान, उसकी नेमते उसकी रहमते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बात है, वाह। वो देखो जिधर अवैस गया, वो कच्ची नहीं है, क्या बात है इस फ्रूट की यार, ताज़ा फ्रूट। यहाँ पे तो सारी खुबानियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए ये तो फुल मीठी है, क्या बात। थोड़ा सा आगे चलते हैं इस साइड पे, इधर ना, क्योंकि वहाँ पे ना वो स्लाइड ज़्यादा है उस साइड पे, ये थोड़ा सा प्लेन एरिया है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा ये शतूत का एरिया, ये देखो सारा शतूत गिरा हुआ है नीचे, ये देखो सारा यहाँ पे शतूत गिरा हुआ है, ये सारे, वेरी गुड। ये देखे गाइस सारे शतूत गिरे हुए हैं, शतूत
शहतूत खा के देखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह ये तो ड्राई शहतूत है, लेकिन इसमें ना ये अभी ये देखो इस तरह ये खराब भी है। क्या बात है, क्या बात है, बोल मीठे। अगर आप भी हुंजा आ रहे हैं तो जैसे मेरे होटल में मैंने होटल वाले से इजाज़त ली थी, पीछे ये एक गार्डन था तो उसने कहा आप यहाँ से कुछ भी तोड़ अच्छा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखिए लाइव मनाजर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये फ्रूट अच्छा लगा हुआ, ये पकड़ो तुम, ये पकड़ो। तोड़ती हूं, मैंने तोड़ने हैं खुद। चलो तुम तोड़ लो, तोड़ो। ओ बेटा आगे गिर ना जाना, आगे खाई है वो, नीचे खाई है। यहाँ से तोड़ लो जितनी तोड़नी है। चले गाइस थोड़ी सी खुबानी कलेक्ट करते हैं। ये मेरे पीछे सारी खुबानी लगी हुई है, ये देखें ताज़ा, इसका मज़ा ही और है। एप्पल ले आए हो? वाह ये देखो एप्पल लेके आया, ये देखो वैस क्या लेके आया, इधर देखो एप्पल, ये देखें जी ये हमने इतनी कलेक्ट कर ली है खुबानियाँ, सारी खुबानी लगी हुई है। बस अब ये कच्ची कच्ची है, ये रहने देते हैं। कच्ची ना तोड़ना बेटा, कच्ची नहीं जो जो येलो है ना वो तोड़नी है। चलो कच्ची नहीं तोड़नी। एक मिनट ना, ये देखो लाइव लाइव चेरी, ये तोड़ो इधर आओ, ये देखो ये तोड़ो, ये तोड़ो एक, ये लगी ये तोड़ो। बोल मीठी है। ओ वैस अवैस ना करो, जो लाइव चेरी खाने का मजा है ना वो किसी चीज का नहीं है। हाँ इधर से जाते हैं, यहाँ पे ना ये पानी होटल से आ रहा है जो यूज हो रहा है, ये सारा नीचे पहाड़ों में जा रहा है पहाड़ों में। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन ठीक है, हुंजा में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और इतना ज्यादा सांस नहीं चढ़ रहा, बनिस्बत नारान का गान बहुत सांस चढ़ रहा था। ले जी हम गाड़ी के पास पहुंच गए। ले जी ये हुंजा के ना इस तरह विलेज बने हुए हैं, गांव बने हुए छोटे छोटे, ये अंतिक है। और अभी हम जा रहे थे करीमाबाद, तो करीमाबाद की तरफ मैंने मोड़ना था, उधर नहीं मुड़े हम, इस साइड पे आ गए। अब वापस फिर करीमाबाद जा रहे हैं, तो ये छोटे छोटे यहाँ पे विलेज है कस्बे से बने हुए हैं और यहाँ की नेचर और नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखो टूरिस्ट भी आए हुए हैं, ये मेरा ख्याल है जो फीमेल जाली यहाँ की मुकामी है। हुंजा सारा इसी तरह का है, चेरीज कहाँ लगी हुई है, वो तो बहुत ज्यादा लगी हुई है, वो तो फूल लग रहा है कि यार ये हमारे लिए एक नायाब चीज है, खुबानी लगी है, चेरी लगी है, शुक्रिया लगी है, लेकिन यहाँ के जो लोग है ना उनके लिए कुछ भी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे गिरी हुई है खुबानी, गिरी हुई है शतूत, गिरा हुआ है चेरी के दरख्त घरों में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी उठा ले खा ले कोई मसला नहीं है। तो हमें ऐसे फील होता है कि यार ये एक ना खास ही चीज़ है, शायद हम तोड़ेंगे तो वो हमें रोकेंगे। जैसे हमारे वहाँ पे पंजाब में तो नीम के दरख्त लगे होते हैं, बकैल लगी होती है, इस तरह यहाँ पे चेरी और खुबानी है, उसके साथ सेब है। जाके देखते हैं, हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर वीडियोस में ही देखी है चीजें ये वाली। ये देखिए जितने भी यहाँ के विलेज है ना इसी तरह छोटी छोटी साइडों पे चढ़ाइयां हैं और फिर आगे जाके ना गांव आ जाते हैं।
मकामी लोग हैं यहाँ पे, ये देखिए सब्जी लेके जा रहे हैं, गाजर है और इसके साथ प्याज है। यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे होटल बने हुए हैं, बैंक भी मौजूद है। हमें ये रोज फातिमा बहुत ज्यादा तंग कर रही है, छोटी बच्ची हमारे साथ, हमें इसने ना समय ले वक्त डाला हुआ है। ले ये करीमाबाद की मेन मार्केट है, ये करीमाबाद का बाजार है और यहाँ पे सारी चीजें मौजूद है। हम भी ले ले कुछ होटल एंड रिजॉर्ट। हाँ क्या लेना ले लो, हैं पकाने के लिए कुछ, पकाने के लिए ले लो गोश्त मछली, हम भी ग्रोसरी करते हैं यहाँ पे। हमजा सरीना होटल, यहाँ पे सरीना भी है, वेरी गुड। ये देखिए हमजा सरीना होटल, हमजा में करीमाबाद में ये मेन बाजार है, यहाँ पे होटल वगैरह है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे देखिए रूम्स अवेलेबल हैं। इस साइड पे भी सारे रेस्टोरेंट वगैरह है और आगे वाली साइड पे ये सारा एक बाज़ार है। यहाँ पे हर किस्म की शॉप है, ये गैस सिलेंडर की शॉप है और इस साइड पे करियाना शॉप है। और ये देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह भी चलते हैं, जैसे हमारे पंजाब में ट्रैक्टर चलते हैं, ट्राली ट्रैक्टर। और ये ब्रंच जूस कॉर्नर है और ये कुछ फॉरनर वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं सैर वगैरह करने घूमने। ये असल में जो फॉरनर है ये यहाँ पे हाइक वगैरह करते हैं, तो ये इस तरह दूसरी जगहों पे जाते हैं और घूमते हैं। ये सारा है जी ड्राई फ्रूट्स का। अच्छा अखरोट का क्या रेट है भाई? अस्सलाम वालेकुम। अखरोट 700 रुपये, तो वो खुश्क बादाम, वो नरम वाला बादाम 1000। चले मैं आता हूँ। तो यहाँ पे ये बाजार में ड्राई फ्रूट है, ये बच्चों की चीजें हैं, ये कैफे बना हुआ है खाने पीने का। और ये देखिए ये मेन यहाँ का कल्चर है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैप कितने की है? वो गोल ऊपर वो बना होता है 600 की। भाई मम्मा को ज्वेलरी यहाँ से देख लो, तो ये कितने के? 350। इंडियन ज्वेलरी है, खराब तो नहीं होगी कलर शलर? जल्दी नहीं होता। चलो चले मैं एक मिनट, वो आगे निकल गए, मैं आता हूँ। ये भी ज्वेलरी की शॉप है इसी तरह से। हाँ जी, यहाँ पे इस तरह सारी ये शॉप्स बनी हुई हैं। ये एक मार्केट है, फ्रूट्स है, खाने पीने का सामान है और फिश मिल जाती है, चिकन मिल जाता है, हर चीज़। हमने अभी यहाँ पे फिश भी लेनी है, चिकन भी लेना है, बारबेक्यू वगैरह करेंगे यहाँ से, तो इसलिए फिर ना आगे चलते हैं देखते हैं। ऑनर यहाँ पे बड़ी तादाद में आए हुए हैं, देखिए यहाँ पे इस दुकान में भी अंग्रेज घूम रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। हाउ यू, where are you from? England. Very good. nice, thank you so much. आजो। यहाँ पे एक बहुत पुरानी जगह है, हिस्टोरिकल फोर्ट है। तो इधर साइड पे हो जाए, गाड़ी आ गई, साइड पे आ जाए। तो भाई यहाँ पे मकामी जो है ना वो बता रहे हैं कि वो अच्छी जगह है, देखने वाली जगह है, वो ऊपर जाना पड़ता है।
10 मिनट ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जाना है कि नहीं? थोड़ा सा ना पैदल ऊपर जाना पड़ेगा, तो हमारा तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल थोड़ा थोड़ा चढ़ के जाते हैं ऊपर। ड्राई फ्रूट, अस्सलाम वालेकुम, कैसे है गिरी? 1200। तो ये स्मॉल, ये खुबानी का, इसका 400 रुपये के जी। अच्छा, ये 400 का। और शतूत, ये क्या चाहिए? ये कितने का? 800 के जी है, 800 का 1 के जी है। ये खुश्क शतूत है, ब्लैक शतूत। ये कितने का पैकेट? 300। ये 300 का है, ये दो ले लें, दो दे देंगे। अच्छा, दो ये हो गए। काजू का 2000 रुपये का बैग, हाफ के जी 4000 रुपये किलो। और चलगोज़ा 12000 रुपये किलो। इसका क्या रेट है? हाफ के जी। ये वो है ना, इसको क्या बोलते हैं, किशमिश। ये खुश्क सेब है, खा के देख सकते हैं थोड़ा सा। ये खुश्क सेब है, ये 300 का पैकेट है। ये एक पाव है, 250 ग्राम है, 300 का। चलिए तो बनी खुश्क सेब, मज़ेदार। ले जी गाइज, ये था करीमाबाद बाजार। ले जी, हंजा में हमने जो कमरा लिया ना, ये देखिए, ये रूम है, पंखा शंखा लगा हुआ है, लाइट चल रही है, छोटी सी LCD लगी हुई है, और ये डबल बेड है, ये सिंगल बेड है, और ये वॉशरूम है, और यहाँ पे पीछे थोड़ा बहुत पहाड़ों का व्यू है, ये देखो। तो ये कमरा है। इस रूम की अगर हम रेंट की बात करें तो ये मुझे कमरा मिला है 4000 रुपये में। इसमें ठंडा गर्म पानी मौजूद है, वाईफाई मौजूद है, बिजली और ये सारा निज़ाम ठीक है यहाँ पे, और नेट आता है, लेकिन जो इंटरनेट है ना वो कभी आता है कभी चला जाता है, वो इतना मतलब है नहीं है सही। और वो नेट जो है ना, ये यहाँ पे पूरे हंजा के अंदर ही बेहतरीन नहीं है, बस ऐसे ही है, गुजारा लायक ही है। तो बाकी ये है कि यहाँ पे हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि पीछे जो बाग है ना, उस बाग के अंदर चेरी लगी है, फ्रूट्स लगा है, हमने फ्रेश फ्रूट खाया है, और उसको हम दोबारा से ट्राई करेंगे। ये देखिए गाइस, रूश फातिमा तैयार हो गई है, दिखाओ मम्मा को, वो देखो मम्मा, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह प्यारी लग रहा। तुम भी लग रहे हो, तीनों बच्चे तैयार कर दिए हमने, गर्म पानी आ रहा था होटल में तो हमने तीनों बच्चों को रेडी कर दिया। अभी मैं ना आऊंगा, उस साइड जाएंगे भाई, जाके जरा रोड पे घूम फिर करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है भाई। देखिए गाइज, यहाँ के जो अंडे हैं ना, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। हमारे पंजाब में तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हर अंडे के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ हम ले लेते हैं पानी, नेस्ले पानी दे दें, फिर 2-3 बोतल दे दें। एक्चुअली हम निकले थे आज होटल से बाहर, तो मैंने कहा चलें बाहर जाके कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, पानी लेते हैं, और साथ अंडे वगैरह लेते हैं, बॉयल करते हैं, साथ चाय पीते हैं। तो ये भाईजान बहुत अच्छे हैं, इन्होंने थोड़ा सा हमें गाइड भी किया है, उसके अलावा फिर हमने पानी भी लिया है, कोल्ड ड्रिंक ली है, और 6 अंडे लिए हैं। तो अभी जाके निज़ाम चलाते हैं, जाना लाल शहजादी करीमाबाद में जी। उसके अलावा आप हिडन पैराडाइज में चले जाएं, वहाँ वो पुराने हैं। हिडन पैराडाइज के दो चैन है सर, एक अलतीत में है और एक बलतीत में है सर। अच्छा अच्छा, तो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से आप 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे ना सर, इस साइड पे, वहाँ से आप लिफ्ट ले लें, तो वहाँ से आप करीमाबाद और अलतीत के लिए दो जगह हैं, वहाँ से फिर 1.5 किलोमीटर अलतीत है और 1 किलोमीटर पे बस समझे आपका करीमाबाद हिडन पैराडाइज। सही सही, मतलब दोनों चीजें वहाँ पे मिल जाएंगी। जी जी, दोनों चीजें आपको, और लाल शहजादी तो करीमाबाद में मिल जी जी, करीमाबाद में हिडन पैराडाइज भी मिल जाएगी और लाल शहजादी, और दूसरी ब्रांच हिडन पैराडाइज की अलतीत में। चलें ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह।